शिक्षा विभाग की एक और लापरवाही सामने आई है। इस लापरवाही में छात्र की आंख में टीचर ने पेन डाल दिया, पेन गोब दिया, जिसके चलते उसकी आंख बाहर आ गई। टीचर ने उसका इलाज कराने का जिम्मा लिया, लेकिन उसे बीच में ही छोड़ दिया और भाग गया। छात्र के परिजन बुधवार से कलेक्टर ऑफिस के परिसर में बैठे हैं, जहां शाहजहानपुर जिले के बावलखेड़ा ब्लॉक के गांव रहीमपुर के राम सिंह का बेटा लवकुश गाँव के ही उर्मिला देवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में महज कक्षा केजी का छात्र है। राम सिंह का कहना है कि 25 जुलाई को स्कूल के शिक्षक उमेश ने उसके बेटे के साथ ही घिनौनी हरकत की, जिसके चलते उसकी आंख बाहर आ गई। इस मामले में जब शिकायत प्रबंधन और प्रचार्य से बात की गई, तब टीचर ने लवकुश का इलाज कराने का आश्वासन दे दिया। करीब 10 दिन तक टीचर ने शाहजहानपुर सीतापुर में इलाज भी कराया, लेकिन लखनऊ ले जाने पर टीचर भाग गया। राम सिंह ने इस संबंध में ज्ञापन जिला अधिकारी को दिया है और शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि पुत्र की आंख का इलाज कराया जाए, क्योंकि इस तरह की घटना बेहद शर्मसार कर देने वाली होती है और साथ ही शिक्षक के ऊपर से भरोसा उठा देने वाली होती है। हाथ में क्या प्रॉब्लम है बताएं। अभी जो हमारे पास में एक बच्चा आया है लवकुश नाम का, जिसकी उम्र लगभग 7 साल है, रहीमपुर का रहने वाला है, रोजा थाना का। तो इसके जो इनके पिताजी ने हमको बताया कि इसके जो है 15 दिन पहले जो है स्कूल में जो है कुछ मारपीट हो गई थी, टीचर ने मारा कुछ इसको, जिसकी वजह से इसके बाईं आंख में जो है चोट लगी, जो कि गंभीर है। इनके अनुसार जो चोट लगी है वो कलम से लगी, टीचर ने मारा इनके। तो अभी देख रहे हैं, हालत इसकी ठीक नहीं लग रही है उस आंख की, अभी इसको ऑब्जर्वेशन में रखा है। अभी आंखों के डॉक्टर आएंगे, उनको भी देखेंगे, इसका उपचार के लिए अपने यहाँ भर्ती कर। शाहजहानपुर से दिलदार के साथ शिवम की रिपोर्ट।